आवर चैनल। और अभी हम आए हैं डी मार्ट, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इसकी लोकेशन मैं आपको बताऊं, ये है जगतपुरा में, जो अक्षय पात्र है उससे लगती हुई गौने रोड है उसके ऊपर बना हुआ है। आई थिंक ये राजस्थान का सबसे बड़ा डी मार्ट है जो लॉकडाउन के बाद ओपन हुआ है। डी मार्ट आप सबको पता ही है, एक सुपर मार्ट है जिसमें आपको सारे ग्रोसरी आइटम्स, होम अप्लाइंस, जितनी भी आइटम्स आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे अंडर अ वन रूफ। तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, इस नए डी मार्ट को। चलिए आइए। तो अभी हमारी शॉपिंग हो गई है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। और शॉपिंग में काफी टाइम लग गया, लगभग 2-2.5 घंटे लग गए, बट बिलिंग में टाइम ज्यादा नहीं लगा, ये फटाफट हो गई थी। बट हमें ये लगा कि यहाँ भीड़ कम होगी क्योंकि ये थोड़ा दूर है, इस साइड में ऑलरेडी दो मॉल और हैं यहाँ पे, बट पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। एनीवेज हमने लेट किया, 9:30-9:15 के आसपास हम फ्री हुए हैं, तो इस चक्कर में भीड़ कम होगी। ठीक है, फटाफट हमारा मीटिंग हो गया, अब हम निकलते हैं। वैसे जब भी हमें मंथली पूरे महीने भर का राशन लाना होता है तो हम डीमार्ट ही जाते हैं, एंड छोटा मोटा एक दो कुछ लाना हो सामान तो आसपास में राइस फ्रेश या लोकल शॉप से हम ले लेते हैं। वेल, इस डीमार्ट में जो हम गए हैं आज, ये जगतपुरा में अभी लेटेस्ट खुला है, लॉकडाउन के बाद खुला था। इसके अलावा यहाँ पे 2 डीमार्ट और हैं जो हमारे यहाँ से 2-3 किलोमीटर की रेंज पे है, तो मेरे आसपास वाले एरिया में 3 डीमार्ट हो गए। ये नया था तो आज हम पहली बार यहाँ पे गए थे, इस
जिसका हमने ब्लॉग बनाया है। वेल, मैं आपको सामान बता देती हूँ। मोस्ट ऑफ तो रेगुलर यूज का है और कुछ सामान अलग से है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और आज कुछ ऐसे देखने में जब घूमा डीमार्ट तो कुछ नया सामान पसंद आ ही जाता है, तो मैंने वो भी परचेज किया है। वेल, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरे ये छोटे छोटे टी कप्स, इनका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, तो जब स्मॉल क्वांटिटी में चाय पीनी होगी तो हम ये यूज़ करेंगे। और ये है मग्स, ये आपने मेरे मोस्ट ऑफ ब्लॉग्स में देखा होगा, ये वाले मग्स, बट इनका ये जो लिखा हुआ है प्रिंट, ये इनका कुछ अलग है। इसके अलावा मेरे पास चार और हैं, उन सब पे अलग अलग लिखा है, तो ये मुझे आज दिखा कि कुछ डिफरेंट है, तो एक सेट हो जाएगा पूरे छः का, तो ये मैंने ले लिए। दोनों ही बहुत अच्छे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, इनका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बेस्ट थिंग की अंदर वाला एरिया, जैसे अपन रेगुलर चाय पीते हैं उनमें चाय जम जाती है, बट इसमें अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड माई फेवरेट खादी ब्रांड के सोप है सारे, और अलग अलग फ्लेवर है सबका, खुशबू बहुत अच्छी आती है इनकी। ये स्ट्रॉबेरी एंड सम अदर्स, चंदन हल्दी, गुलाब जल का भी है, एलोवेरा का भी है, और एक अकेला सैंडलवुड, ओनली सैंडलवुड का है, एंड दिस इज पिंक वन रोज, खुशबू बहुत अच्छी है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं ये। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इनको यूज़ कर रही हूँ, जब से मैंने ये शुरू किया है यूज़ करना मैं कोई और यूज़ ही नहीं करती। एंड हाँ, एक मज़े की बात ये है कि इनकी जो प्रिंट रेट है वो है 80 रुपीज़ पर सोप, बट इस डीमार्ट में मुझे पहली बार ऑफर में मिले हैं बाय वन गेट वन, तो 40 रुपीज़ का एक हो गया, तो मन तो कर रहा था सारे उठा लूँ, फिर भी मैंने 10 लिए आज, बाद में ले आएंगे। एंड उसके अलावा ये कस्टर्ड पाउडर भी हमने लिया, क्योंकि समर शुरू हो गए हैं और कुछ ठंडा या रबड़ी टाइप की आइसक्रीम में आप इसको दोनों ही ऑप्शन में यूज़ कर सकते हो, तो फ्लेवर वनीला फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। एंड डीओ, ये वन मोर निविया का है, ये भी लिया है मैंने। यस, एक मैं आपको नया बताती हूँ कुछ, ये है राज ब्रांड का सोप, ये वो है कपड़े धोने का साबुन है, इसको मैंने कहीं यूज किया था और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके लिए जो सबसे बेनिफिट वाली बात अगर मैं बताऊँ वो ये है कि ये हाथों को बिल्कुल हर्ट नहीं पहुँचाएगा। जैसे बाकी साबुन क्या करते हैं, अपने हाथ थोड़े रूखे कर देते हैं वो, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े भी बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं, गलेगा भी नहीं बिल्कुल, और हाथों को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ड्राई नहीं होंगे आपके हाथ ज़्यादा, तो ये बेस्ट है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको अच्छा लगेगा। एंड माई फेवरेट बिस्किट जिम जैम, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये। एंड ये टॉफी जेली वाली, जितना खाओ उतना ही कम है मेरे लिए, तो मैं तो जब भी ऐसे मतलब कुछ होता है सफ़र करते टाइम या बस में गाड़ी में, तो मन करता है कि कुछ मुँह में हो, तो आई जनरली प्रेफर दिस टॉफी। एंड दिस इज अ कार, ये कार का वो है फ्रेशनर, कार फ्रेशनर है, तो ये है एयर ब्रांड का है ये। एंड माई फेवरेट मैंगो जैम, ये है किचन में जो स्लैब पे आने वानी गिर जाता है बर्तन वगैरह धोने के बाद, तो उसको स्वैप करने के लिए छोटा सा, मुझे अच्छा लगा। ओ माय गॉड, गोल मटोल रसगुल्ले, ऑब्वियसली ये मुझे जब भी दिखते हैं बिकाजी वाले मैं हमेशा उठा लाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एंड यस, ये मैं भूल गई, ये मैक्रोन ब्रांड के फ्रेंच फ्राइज हैं, एक बार शाम के टाइम मन करता है चाय के साथ कुछ स्नैक्स हो, तो दिस वन इज गुड, मुझे अच्छा लगा। एंड हाँ, मैंने आज जो कुछ डिफरेंट जो मैंने ट्राई किया है वो ये पहली बार मैं एक अलग ही ब्रांड, मतलब है टाटा की, बट ये वाला फ्लेवर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, पहली बार किया है, किसी के रिकमेंडेशन पे किया है और ये अच्छा लगा, हमने जब
नहीं, तो टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, आप भी ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए। तो ये मैंने ये अलग लिया है आज। इसके अलावा मैंने लिया है ये स्वीट कॉर्न वनीला ब्रांड, सॉरी वाडीलाल, वाडीलाल ब्रांड का है स्वीट कॉर्न। एंड एक मैं लाई हूँ अमूल की मोज़रेला चीज पिज्जा बनाने के लिए। एक बार मन करता है घर में पिज्जा बना के खाओ, तो मैं ये ले आती हूँ। और ये वैसे है ऑलरेडी क्यूब्स में है, तो अपन को इसमें बार बार इसको मतलब जो बार लाते हैं उसको ग्रेट करो और फिर डालो, तो उससे अच्छा है कि बेटर है ये यूज करो, सीधा पिज्जा पे डालो और काम हो गया, फालतू मेहनत नहीं करनी पड़ती। एंड सब्जी वगैरह बनाने के लिए मसाला पापड़ चने के हैं, ये चना गार्लिक देखिए इसको मसाला वगैरह इसमें, सब्जी अच्छी बन जाती है इससे। सम ड्राई फ्रूट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स में लाई हूँ काजू, ये मैं स्मॉल क्वांटिटी में लाई हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं आते, ख़राब हो जाते हैं पड़े पड़े, तो स्मॉल लाओ ताकि यूज़ करो और आप दोबारा लेके ले आओ। एंड टैंगो, जैसे टैंगो गर्मियों में जब धूप से आते हैं तो काफ़ी एनर्जी ऐसे लगता है कि है ही नहीं, घर आते ही इसको ग्लास में घोल के पी लो, काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होता है, एनर्जी फील होती है। एंड सफोला ऑयल, रिफाइंड ऑयल, इसके अलावा मैंने बाकी बिस्किट्स, आम आदमी की जरूरत का सामान यही है। एकमात्र ऐसा बिस्किट ब्रांड है जो हर इंसान यूज करता है और चाय के साथ यही अच्छे लगते हैं, रिंग वाले आप प्रिफर ही नहीं कर सकते। और ये सर्फ एक्सेल लिक्विड एक्स्ट्रा सेवर पैक, इसमें काफ़ी ऑफर था तो मैंने ये लिया। एंड ये मेरा कंडीशनर डव का, शैम्पू हेड एंड शोल्डर, एंड ये झाड़ू गाला की नो डस्ट ब्रूम, मतलब इससे बिल्कुल डस्ट नहीं होगी, जो नई झाड़ू के अंदर कचरा होता है वो इससे नहीं होगा। और इसके अलावा बाकी आटा, शुगर, राइस, मैगी एंड अदर्स हमने लिया है, कोलगेट वगैरह। कुल मिला के ये कि सभी जितने भी हमने सामान लिया है सब पे काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट था, और अंडर अ वन रूफ आपको इतना सारा सामान मिल जाए, पूरे होम की ज़रूरत का जितना भी सामान होता है घर का सारा मिल जाता है। तो अब हम इस सामान को अरेंज करेंगे और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे हम अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट करें और उनको लाइक करें, और अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।